राजा भैया की आंखों में इसलिए खटक रहे हैं गुलशन यादव। राजा भैया इस कारण से मानते हैं गुलशन यादव को दुश्मन। सियासी अदावत के अलावा ये भी है आपसी जंग का कारण। देखिए कैसे गुलशन यादव राजा भैया से हो गए ज्यादा मजबूत। क्यों राजा भैया को गुलशन का मजबूत होना अखर रहा है। प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा सीट पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित सीट बनती जा रही है। मैनपुरी की करहल विधानसभा के बाद अगर किसी विधानसभा सीट की चर्चा हो रही है तो वो है प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा। कुंडा से राजा भैया के सामने गुलशन यादव ने सपा के टिकट पर ताल ठोकी है और ऐसे में दोनों की जोर आजमाइश चर्चाओं में छाई हुई है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों राजा भैया की आंखों में गुलशन यादव अचानक से खटकने लगे। जो गुलशन यादव कभी राजा भैया के सबसे करीबी होते थे वही अब राजा भैया के लिए इतने कटु क्यों हो गए। तो आइए इस अदावत की असली वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल एक वक्त था जब गुलशन यादव राजा भैया के सबसे खास आदमी होते थे। कहा जाता है कि गुलशन यादव राजा भैया की परछाई होते थे और गुलशन यादव राजा भैया के इशारे पर ही सांस लेते थे और इशारे पर ही सांस छोड़ते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे सियासत में सक्रिय गुलशन यादव के तौर तरीके राजा भैया की नजरों में और आत्मसम्मान को खटकने लगे। ऐसे में कई मौके पर देखा गया कि गुलशन यादव राजा भैया की जो कभी पीछे रहते थे वो राजा भैया के बराबर आकर मंच पर खड़े हो जाते थे। साथ ही जब राजा भैया माइक पर बोल रहे होते थे तो गुलशन यादव लोगों का हाथ जोड़कर हाथ हिलाकर अभिवादन करते थे। ऐसे में जो पतला सा सांवला सा लड़का राजा भैया के इशारे पर नाचता था उसका बदलता तौर तरीका राजा भैया को भी खटकने लगा। और सूत्रों की माने तो राजा भैया ने तभी से गुलशन यादव को थोड़ी तवज्जो देना कम कर दिया और उससे ठीक उलट गुलशन यादव राजा भैया से ज्यादा सक्रिय दिखने लगे। राजा भैया और गुलशन यादव के बीच बढ़ती खाई देख विरोधियों ने जमकर आग में घी का काम किया और राजा भैया के कान गुलशन यादव के खिलाफ भरे। उधर गुलशन यादव को अपनी ताकत का एहसास होने लगा था और जनता का प्यार भी गुलशन को मिलने लगा था। लेकिन सीओ जियाउल हक मर्डर केस में गुलशन यादव और राजा भैया का नाम सामने आया तब राजा भैया ने गुलशन यादव को ही बलि का बकरा बना दिया। और जब गुलशन ने ये सब होते देखा तो राजा भैया को सियासी तौर पर चोट देने का प्लान बनाया। जेल में रहते हुए गुलशन ने अपनी पत्नी को कुंडा नगर पंचायत का चेयरमैन बनवाया और राजा भैया के सामने सपा के मुख्य चेहरे के तौर पर चुनौती देना शुरू कर दिया। अब तक तो ऐसा था कि राजा भैया के सामने सपा का उम्मीदवार कभी भी कुंडा विधानसभा पर नहीं उतरा था। लेकिन इन तमाम वाक्यों के बाद गुलशन यादव सपा के कद्दावर नेता के रूप में उभरने लगे। गुलशन यादव राजा भैया के खास राजदार तो हैं ही, साथ ही सियासी तौर पर मजबूत भी हो रहे हैं। इसी वजह से राजा भैया की आंखों में गुलशन यादव खटकने लगे और उसी का नतीजा है कि अब कुंडा की राजनीति में दोनों सियासी वजूद और अपनी अपनी धाक कायम करने के लिए ताल ठोक रहे हैं। देखना यह है कि साख की लड़ाई में जीत किसकी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।